मैं कीर्ति परोहा, क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हमने मानव प्रजनन के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से अध्ययन किया है, इसके बारे में समझा है, और आज हम उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हल करने जा रहे हैं। तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर हैं मल्टीपल चॉइस वाले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ आपके मेन एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है? तो हमें मालूम है कि टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन्स है जो कि स्रावित होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 लीडिंग सेल्स, यहाँ पर आंसर। मैं सिर्फ नंबर डाल दूंगी, बाकी आप पूरा लिख लीजिएगा। सेकंड देखिए, पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह ग्राफी पुटक के शेष भाग से बनता है। दूसरा, यह भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तीसरा, निषेचन नहीं होने की स्थिति में इसका ह्रास होता है। चौथा, उपरोक्त सही। हमें पता है कि इसमें जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, यानी ये सभी बातें सत्य हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शिशु की लैंगिकता निर्धारित होती है। पहला, नर युग्मक द्वारा, फीमेल गैमिट द्वारा, सॉरी मेल गैमिट द्वारा। दूसरा, मादा युग्मक द्वारा, मतलब फीमेल गैमिट द्वारा। तीसरा, दोनों युग्मकों द्वारा। और चौथा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है तो जो मेल गैमिट रहता है उसमें वाई क्रोमोसोम जो रहता है वो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, इसलिए शिशु की लैंगिकता निर्धारित होती है पहला नर युग्मक द्वारा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। फोर्थ देखें, ऋतु चक्र के दौरान गर्भाशयी दीवार के विकास एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, आंसर 2। पांचवा देखें, केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन है। सगर्भता मतलब जब तक पूरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा। इसमें आंसर देखें, पहला मानव जरायु गोनेडोट्रॉपिन, सेकंड मानव अपरा लैक्टोजन, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा उपरोक्त सभी, जिसमें आंसर है 4। ये चारों हार्मोन सगर्भता की स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में। इसका आंसर हो जाएगा 1। वृषण में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मानव अंडाणु होता है। पहला, अपीतकीय, दूसरा सूक्ष्म पीतकीय, तीसरा मध्य पीतकीय और चौथा बृहत पीतकीय। जबकि मानव अंडाणु जो होता है वो होता है अपीतकीय। यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। 8 नंबर का क्वेश्चन देखें, मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है? पहला, गर्भाशय में, दूसरा योनि में, तीसरा फैलोपियन नाल में, चौथा अंडाशय में। बेटा यहाँ पे फैलोपियन है, एक एल जो है वो नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। और चौथा अंडाशय में। तो मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है तीसरा, आंसर तीसरा, फेलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 9, 28 दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? पहला प्रथम दिन, दूसरा 7वें दिन, तीसरा 14वें दिन या चौथा 28वें दिन। तो
28 डेज वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है आंसर 3 14वें दिन। ये फैक्ट है, आपको इनको अच्छे से याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड निम्न में से किस कोशिकाओं से संयोजित होते हैं? पहला स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा कुफुर कोशिकाएं, तीसरा लीडिंग कोशिकाएं और चौथा सर्टोली कोशिकाएं। इसका आंसर है 4। सर्टोली सेल्स जो हैं वो इससे संयोजित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्राणी के उदर गुहा में वृषण स्थायी रूप से पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लेवल का है। आंसर है पहला वेल, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा हाथी और चौथा उपरोक्त सभी में। आंसर है चौथा उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 12। एमनियोन का कार्य है पहला भ्रूण की आघातों से सुरक्षा, दूसरा भ्रूण को पोषण देना, तीसरा भ्रूण को श्वसन, चौथा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना। एमनियोन जो होता है वो एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूड रहता है और इसका काम रहता है भ्रूण की आघातों से सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एमनियन भ्रूण की आघातों से सुरक्षा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में अपरा होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा? पहला अभिसरित डिफ्यूज, दूसरा बीज पत्रीय दलि, तीसरा जोनरी, चौथा डिम्बाव। तो मनुष्य में जो अपरा होता है वो होता है डिम्बाव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। 14वां, भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है? आंसर उल्व पहला, दूसरा जरायु, तीसरा अपरा, चौथा पीतकोष। तो यहाँ पर आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 15। ब्लास्टोपोर पाया जाता है पहला गैस्ट्रोला में, दूसरा ब्लास्टोला में, तीसरा मोरूला में, चौथा न्यूरोला में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, गैस्ट्रोला में। तो ये थे बच्चों आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इससे रिलेटेड लघुत्तरी प्रश्न उत्तर हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।